हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारा यूट्यूब चैनल करियर मैप ऑनलाइन पे। मैं हूं मनोज और आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं वीकली करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसका लास्ट वीक में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसका, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको लेके जो पीरियड है 28 जून से लेकर के 5 जुलाई तक, उसमें क्या क्या इवेंट्स हैं उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट में रिसेंटली जो अपॉइंट्स हुआ है वो हुआ है कपिल देव, जो क्रिकेटर हैं, अमेच्योर गोल्फर भी हैं, शौकिया तौर पे गोल्फ भी खेलते हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडिया के गोल्फ प्रोफेशनल गोल्फ टूरिज्म ऑफ इंडिया का, यानी PGTI का नए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, कपिल देव, जो क्रिकेटर हैं प्रोफेशनली और शौकिया तौर पे गोल्फ भी खेलते हैं। इसके अलावा अगला जो अपॉइंटमेंट हुआ है वह विक्रम मिश्री का, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के तौर पे। विक्रम मिश्री को फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया है। इसके अलावा रवि अग्रवाल को जो CBDT का चेयरमैन बनाया गया है। जानते हैं फिनांस मिनिस्ट्री का दो डिपार्टमेंट है, एक CBDT, एक CBIC, जो एक डायरेक्ट टैक्सेस देखता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के जो हेड हैं अभी नए बनाए गए हैं, कौन, रवि अग्रवाल। इसके अलावा चल्ला श्रीनिवासुल्लु सेट्टी, इनको चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक, ये सितंबर से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। इनको SBI, जो सबको पता है इंडिया का लार्जेस्ट PSU बैंक है, उसके चेयरमैन अभी कौन बने हैं, चल्ला श्रीनिवासुल्लु सेट्टी। इसके बाद है अखिलेश पाठक, इनको चीफ जनरल मैनेजर एंड CMD बनाया गया, किसका, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। अभी जस्ट 1 तारीख से इन्होंने अपना कारभार संभाला है। अखिलेश पाठक, इनको PGCIL का चेयरमैन हेड बनाया गया है, CMD बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर बी एन गंगाधर को नेशनल मेडिकल कमीशन, जो मेडिकल से रिलेटेड इंडिया में इश्यू होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो देखते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन एक PSU बॉडी है, उसका हेड किसको बनाया गया है, डॉक्टर BN गंगाधर को। नेक्स्ट है नवीन चंद्र झा, बहुत सारा अपॉइंटमेंट हुआ है अभी रिसेंटली वीक में, उसमें एक है नवीन चंद्र झा, MD & CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। अभी रवि चल्ला श्रीनिवासुल्लु को बनाया गया था, क्या, सेट्टी को SBI का चेयरमैन, और नवीन चंद्र झा को SBI जनरल इंश्योरेंस का चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट है केर स्टार्मर, जो अभी जस्ट इलेक्शन हुआ है ब्रिटेन में, उसमें ऋषि सुनक, जो इंडियन मूल के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनको हरा करके ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, केर स्टार्मर। नेक्स्ट है जस्टिस सिल नागू, इनको चीफ जस्टिस सब बनाया गया, कहाँ, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का। जस्टिस संजीव सचदेवा, इनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। इसके अलावा श्रीमती चारुलता एस्कर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI बनाया गया। RBI सबको पता है, एक करेंसी से रिलेटेड जो भी इशू है वो सब इंडिया का सेंट्रल बैंक है, RBI वो देखता है, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया, श्रीमती चारुलता एस्कर को। नेक्स्ट है धीरेन्द्र के ओझा, प्रिंसिपल एक्सपोक्स पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी नई गवर्नमेंट बनी है उसका प्रिंसिपल यानी मेन जो स्पोक्स पर्सन होंगे वो कौन होंगे, धीरेन्द्र के ओझा, इनको बनाया गया। ये कुछ रिसेंटली अपॉइंटमेंट थे जो हुए हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो लास्ट वीक जो हुआ है उसमें 28 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, यानी इंश्योरेंस कितना लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है, क्या क्या होना चाहिए, ये लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में मनाया जाता है 28 जून को। 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, डाटा से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी इशू है इसके लिए स्टैटिक डे मनाया जाता है। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, PC महालनोबिस, जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और सेकंड
5 ईयर प्लान के मेन मेंटोर भी थे इन पीसी महालनोबिस, उन्हीं के नाम पे स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है इंडिया में, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इस बार का इसका थीम था यूज ऑफ डाटा डिसीजन मेकिंग। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, जिसको शॉर्ट में पीसी महालनोबिस बोलते हैं, इनका थीम क्या था इसका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का? यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करने के लिए डाटा का क्या यूज है, यही इसका थीम था। नेक्स्ट है 1 जुलाई, GST डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इसका थीम था सशक्त व्यापार समग्र विकास। सशक्त व्यापार समग्र विकास 1 जुलाई को जो GST डे मनाया गया है उसी का मेन थीम था। 1 जुलाई को एक और डे मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, इसमें इसका थीम क्या रखा गया था? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हर्ट्स। हीलिंग हैंड्स केयरिंग हर्ट्स डॉक्टर्स डे जो 1 जुलाई को मनाया जाता है उसका मेन थीम था। 1 जुलाई को GST डे में मनाया जाता है, उसका थीम था सशक्त व्यापार समग्र विकास। अब 2 जुलाई वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। अगला देखते हैं बुक्स एंड ऑथर। लास्ट 1 वीक में एक ही बुक आया है जिसके राइटर कौन है? पीयूष पांडे, और बुक का नाम क्या है? मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। लास्ट बुक वीक एक ही बुक पब्लिश हुआ है जिसका नाम क्या है? मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, इसके राइटर कौन है? पीयूष पांडे। नेक्स्ट अवार्ड रिसेंटली क्या क्या दिया गया है, किसको दिया गया है, उसमें सबसे पहला है संजना ठाकुर इंडिया, इनको कौन सा अवार्ड मिला है जी? कॉमनवेल्थ स्टोरी प्राइज 2024। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 किसको मिला है? संजना ठाकुर को। इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी बनाया था जिसका नाम क्या था? ऐश्वर्या राय। मेन ऐश्वर्या राय ही नाम था। टेक 6 नेम फ्रॉम द फेम्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस टू री इमेजिन एंड रिवर्स द ट्रेडिशनल एडॉप्शन स्टोरी। मेन बुक का नाम ऐश्वर्या राय ही था, इसी का टाइटल जो है थोड़ा लंबा था। प्राइज जो मिला है मेन क्या मिला है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 किसको मिला है? संजना ठाकुर, जो इंडिया की हैं। दूसरा है 12th विश्व हिंदी सम्मान, अभी इंडिया और नेपाल के बीच में एक सभा हुआ था उसी में दिया गया है किसको? डॉक्टर उषा ठाकुर को। उषा ठाकुर को 12th विश्व हिंदी सम्मान प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है UK कॉमन वेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। ओह, ये 2 बार हो गया। UK यूनाइटेड का अभी हम लोग ने डिस्कस किया, ऐश्वर्या राय वाला, कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है वो दिया गया है संजना ठाकुर को। अगला प्राइज है पेन पिंटर प्राइज 2024। पेन पिंटर प्राइज 2024 दिया गया है अरुंधति राय को। पेन पिंटर प्राइज जो है कॉमनवेल्थ कंट्री और इंग्लैंड को दिया जाता है, इसमें इस बार अरुंधति राय को मिला है। किसके लिए? एक बुक लिखे हैं उन्होंने, अनफ्लिचिंग अनक्वेवरिंग, इसको लेकर के इनको एक प्राइज दिया गया अरुंधति राय को। कौन सा? पेन पिंटर प्राइज। अगला अवार्ड जो है वो क्या है? PSU लीडरशिप एक्सेलेंस अवार्ड 2023। PSU लीडरशिप एक्सेलेंस अवार्ड 2024 दिया गया किसको? THDC इंडिया लिमिटेड को। किस कैटेगरी में? लीडरशिप इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया का एक PSU कंपनी है THDC, इसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने कंपनी में बहुत किया है, उसको देखते हुए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड दिया गया है, PSU लीडरशिप एंड एक्सेलेंस अवार्ड 2024। अगला अवार्ड जो है नेशनल अवार्ड फॉर PMY इम्प्लीमेंटेशन। PMY यानी APY अटल पेंशन योजना। नेशनल अवार्ड फॉर अटल पेंशन योजना इम्प्लीमेंटेशन जो किया है उसके लिए उसको अवार्ड मिला है। कौन किया है सर जी? सबसे अच्छा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक में एक विकास ग्रामीण बैंक है, उसने अटल पेंशन योजना को सबसे अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया, उसको लिए इसको अवार्ड दिया गया है।
एक्स्ट्रा आ गया। नेक्स्ट है पी गीता, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड, जो केरला गवर्नमेंट देती है। केरला गवर्नमेंट एक अवार्ड देती है, के सरस्वती अम्मा अवार्ड फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, ये किसको दिया गया है? पी गीता को। अब आगे देखते हैं रिसेंटली क्या क्या इवेंट्स स्पोर्ट्स में हुए हैं, उसको देख लेते हैं क्या हुआ है। ग्लोबल चेस लीग, ग्लोबल चेस लीग हुआ है कब? अभी जस्ट दुबई में 2 जून से 2 जुलाई तक ग्लोबल चेस लीग टू बी हेल्ड सेकेंड एडिशन इन लंदन अक्टूबर। चेस लीग का 3 कंसेप्ट में दिया गया है कि फाइनल होगा, उसमें से पहला कंसेप्ट जो है दुबई में 2 जून से 2 जुलाई तक दुबई में हुआ, अगला जो अक्टूबर में सेकंड फेज जो होगा वो लंदन में होगा अक्टूबर में। अब नेक्स्ट है विश्वनाथन आनंद विंस लियोन मास्टर क्लास चैम्पियनशिप इन स्पेन, 30 जून को विश्वनाथन आनंद जो चेस के लीजेंड माने जाते हैं इंडिया में, उन्होंने एक अवार्ड जीता है। कौन सा? विश्वनाथन विंस द लियोन मास्टर चेस चैम्पियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो फार्मूला रेस वन कार रेसिंग होता है उसका इस 24 का कौन जीता है? जॉर्ज रसेल जो मर्सिडीज के हैं। ध्यान देना है 99% आज 2023 से अभी तक चला है कि मैक्स वर्स्टापन जो रेड पुल के हैं 90% अवार्ड उन्होंने ही जीता है, ये अवार्ड कोई और जीता है, जॉर्ज रसेल जो मर्सिडीज के टीम के हैं। तो ये ध्यान देना है कि इसको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टापन के अलावा कोई जीता है, जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया इंडेड देयर 13-ईयर वेट फॉर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी व्हेन दे बीट साउथ अफ्रीका रन बाय 7 runs टू लिफ्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया जो फाइनल में ब्रिज टाउन में हुआ है वो जीता है इंडिया ने। इसमें क्या क्या और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं T20 वर्ल्ड कप से, इंडिया आल्सो बिकेम द फर्स्ट टीम टू विन द टाइटल विदाउट लूजिंग अ गेम ऑल टूर्नामेंट, पहला ऐसा इंडिया टीम बना जो एक भी गेम लूज नहीं किया है ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। एक गेम था जो कनाडा से जो वाश आउट हो गया था, अदरवाइज सब गेम इंडिया ने जीता था। इसमें 281 run बना करके अफगानिस्तान के प्लेयर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज जो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान के एक प्लेयर हैं बॉलर फजल फारूकी, इन्होंने इंडिया के जो अर्शदीप सिंह हैं इनके साथ जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं 17 विकेट लेकर के। प्लेयर ऑफ द मैच हमारे विराट कोहली इंडिया में को मिला है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को। इसके अलावा और स्पोर्ट्स में रिसेंटली क्या इवेंट हुए हैं जी? स्पोर्ट्स में यही T20 इवेंट्स रिसेंटली हुए हैं और एक ग्लोबल चैम्पियनशिप और विश्वनाथन आनंद ने मास्टर चेस चैम्पियनशिप जो जीता है और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये रिसेंटली यही इवेंट्स हुए हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, क्या क्या हुए हैं मिसलेनियस इवेंट्स जो वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है डेनमार्क सेट टू इम्पोज वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन ग्रासी कैटल। डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना है जो ग्रासी कैटल जो मैमल्स होते हैं जो मिल्क देने वाले मैमल्स होते हैं उन पे टैक्स लगाएगा, कार्बन टैक्स लगाएगा। कब से? 2030 से। इट टारगेट्स मीथेन एमिशन फ्रॉम काउ शीप पिग्स, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जो काउ शीप पिग्स
ऐसा कोई भी कैटल जिससे मीथेन गैस एमिट होता है उस सब पे टैक्स लगाएगा। दुनिया का पहला कंट्री कौन बना है? डेनमार्क। उसके बाद है, अभी रिसेंटली जो हुआ है, साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान। साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान ने फर्स्ट टाइम एक एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, इनॉग्रल एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या रखा है? फ्रीडम एज ट्रायल मल्टीलेटरल डोमेन एक्सरसाइज। कहाँ हुआ? 27 से 29 जून तक साउथ चाइना सी में। साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान ने एक फर्स्ट टाइम ट्रायल लिटरल एक्सरसाइज स्टार्ट किया है नेवी का। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। उस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा है? फ्रीडम एज। दूसरा है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे यानी डीजी ऑफ आरपीएफ मनोज यादव टुडे लॉन्च्ड अ द संज्ञान ऐप। एक ऐप जो डीजी है आरपीएफ के, उन्होंने लॉन्च किया है। उसका ऐप का नाम क्या है? संज्ञान ऐप। ये क्या प्रोवाइड करा है? टू प्रोवाइड डिप्थ इंफॉर्मेशन ऑन 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट। जैसा कि सब लोग जानते हैं, 1 जुलाई से 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है। उसको रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स जो है उसको, उसमें कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसका इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि क्या क्या करना है, एक ऐप लॉन्च किया DGRPF ने, जिसका नाम है संज्ञान ऐप। वो 3 न्यू लॉज कौन कौन थे जी? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 जो है जस्ट 1 जुलाई से अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं। 3 नया कानून है जो क्रिमिनल एक्ट के अंडर में, उसको आरपीएफ ने एक ऐप के द्वारा अपने एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करने के लिए कि कैसे उसको अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? संज्ञान ऐप। नेक्स्ट है, जयपुर मिलिट्री स्टेशन बिकेम द सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया टू हैव अ रोड मेड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। जयपुर मिलिट्री स्टेशन इंडिया का दूसरा ऐसा मिलिट्री स्टेशन बना है जो प्लास्टिक वेस्ट से एक रोड बनाया है। इसके पहले पहला जो था वो आसाम का नारंगी मिलिट्री स्टेशन था जो प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति स्कीम जो इंडिया में लॉन्च किया गया था 2021 में। उसका मेन था कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिजिटली कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, डिजिटली इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जा सकता है। इसी को पीएम गति शक्ति को ई ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर मॉर्गन स्टेनली रिपोर्ट। मॉर्गन स्टेनली जो यूएस बेस्ड एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग कंपनी है, एमएनसी है जो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में काम करते हैं, उसने प्रेज किया है पीएम गति शक्ति स्कीम को कि इससे इंडिया में जो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा डेवलप किया है। पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है? और डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्री टुगेदर फॉर इंटीग्रल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। पीएम गति शक्ति एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज मिल के एक साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है तो कैसे काम करेंगे, सबको एक साथ लाता है। इसी को मॉर्गन स्टेनली एक रिपोर्ट दिया है जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, स्पेशली बैंक एंड फिनांस सेक्टर में। उसने इसको बहुत ही प्रेज किया है कि ये एक सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया हुआ स्कीम है। कौन सा? पीएम गति शक्ति। अब नेक्स्ट है, सेंट्रल रेलवे हैज इंस्टॉल अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन इगतपुरी लेक महाराष्ट्र। सेंट्रल रेलवे जो महाराष्ट्र में हैज इंस्टॉल अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट। इसमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट फर्स्ट टाइम रेलवे ने कहाँ लगाया है? इगतपुरी लेक जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, पेंच टाइगर रिजर्व ये भी महाराष्ट्र में हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बाई इंट्रोड्यूसिंग अ एडवांस AI सिस्टम फॉर अर्ली फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, उन्होंने पहली बार
फायर को रोकने के लिए जंगल में जो आग वगैरह लग जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने का स्कीम लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया है कि जंगल में आग लगने से पहले पता चल जाए कहाँ आग लगने वाली है, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया का ये पहला है। द 3 न्यू लॉ क्रिमिनल लॉ जो अभी 1 तारीख से लॉन्च हुआ है, अभी हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा है कौन कौन सा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों क्रिमिनल एक्ट लॉ जो हैं इंडिया का 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MoSPI हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ई सांख्यिकी पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी ने एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है, ई सांख्यिकी पोर्टल टू रिवोल्यूशनाइज डाटा एक्सेसिबिलिटी। डाटा एक्सेसिबिलिटी यानी डाटा को एक साथ कैसे लाना है, कैसे कलेक्ट करना है जितना जल्दी हो सके, और पॉलिसी मेकिंग में ये बहुत सारा डाटा काम करता है, इसको लेके एक पोर्टल बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। उस पोर्टल का नाम क्या दिया है, ई सांख्यिकी पोर्टल। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम हैज इनिशिएटेड अ नेशन वाइड कंपाइन फोकस्ड ऑन टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रोग्राम चलाया है, कौन सा, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितना है उसके एरिया में टोबैको का यूज़ नहीं होगा। इस इनिशिएटिव को किसके अंडर में लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, उसी के अंडर में ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है टर्की हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ग्रे लिस्ट आफ्टर रिसेंट इवेल्युएशंस ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फिनेंसिंग। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्री में जाता है, इवेल्युएट करता है कि यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा इलीगल काम नहीं किया जा रहा है ना मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। तो कुछ दिन पहले टर्की को इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था कि ये टेररिस्ट को फिनांस करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का वहाँ पर इशू चल रहा है। लेकिन अभी दोबारा इवेल्युएशन हुआ तो उसमें देखा गया कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो अभी उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। ग्रे लिस्ट से हटाने से क्या होगा कि अब टर्की में थोड़ा बहुत जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट होंगे, जाएंगे। ये FATF के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये 89 में बना था जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, मेंबरशिप 39 है। आज के डेट में कौन है प्रेसिडेंट, TE Rajakumar जो सिंगापुर के हैं। अब नेक्स्ट इवेंट जो रिसेंटली हुए हैं उसमें इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 109th फाउंडेशन डे ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलकाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना फौना मतलब क्या, एनिमल वाइल्ड लाइफ, एनिमल फॉरेस्ट में जो भी हैं सबका कलेक्शन करना, उस सब को एक जगह लिस्ट बना के रखना कि कितने फौना हैं इंडिया में हैं, कितना वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, कि उसका क्या सर्वे है, इस सबको एक पोर्टल में रखा जाएगा जिसका नाम क्या है पोर्टल का, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। फर्स्ट टाइम इंडिया में ये हुआ है, फौना का लिस्ट बनाया गया है। जापान इंट्रोड्यूसेस होलोग्राफी टेक्नोलॉजी इन अ न्यू बैंक नोट्स ऑन 3rd July। दिस टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द इल्यूशन ऑफ हिस्टोरिक फिगर्स पोर्ट्रेट्स रोटेटिंग ऑन 3D ऑन द बिल्स। जापान ने एंटी काउंटरफिट और धोखाधड़ी से बचने के लिए एक नया टेक्नोलॉजी लाया है अपने बैंक नोट पे जिसका नाम क्या है, होलोग्राफी टेक्नोलॉजी। ये 3D में रहेगा और ये करप्शन या एंटी काउंटरफिट होने से बचाएगा।
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया है होलोग्राफी टेक्नोलॉजी, फर्स्ट टाइम कहाँ पे? जापान में। नेक्स्ट है झारखंड सेलिब्रेट्स हुल दिवस ऑन जून 30। हुल दिवस जो झारखंड में मनाया जाता है कब? 30 जून को। क्यों मनाया जाता है जी? हुल क्रांति दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जून एवरी ईयर टू मार्क द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ 1855 में इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट हुआ था, जिसमें कौन पार्टिसिपेट किया था? ट्राइबल हीरोज कौन कौन थे? सिद्धू कानू, चंदा एंड भैरव, चार लोग थे। इन बहुत फेमस हैं, सिद्धू कानू, चंद एंड भैरव, जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे 30 जून को, उन्हीं को ट्राइब्यूट देने के लिए हुल दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर 30 जून को। ध्यान रखना, पूछता है कि हुल दिवस किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ये झारखंड में। RBI बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो जेनेवा में है, BIS एंड सेंट्रल बैंक ऑफ 4 एशियन कंट्रीज इज कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट नेक्सस, अ मल्टीनेशनल इनिशिएटिव MTAD इनेबलिंग एफिशिएंट, फास्टर एंड को इफेक्टिव रिटेल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए एक नेक्सस करके प्रोग्राम चलाया गया है, प्रोजेक्ट चलाया गया है 3 लोगों में, 4 एशियन कंट्री के बैंक, सेंट्रल बैंक, उसमें कौन कौन? मलेशिया, इंडिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, कि बॉर्डर एरिया पे जो भी करेंसी को लेके इशू होता है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और इफेक्टिव मैनर में किया जाए। तो प्रोजेक्ट का क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट नेक्सस। नेक्स्ट है एयर इंडिया इज एस्टेब्लिशिंग साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन महाराष्ट्र, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में साउथ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल ओपन किया जा रहा है एयर इंडिया के द्वारा, ठीक है, फ्लाइट ट्रेनिंग होगा यहाँ। नेक्स्ट है ऑन जून 30 एंड जुलाई 1 द 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान टुक प्लेस इन दोहा कतर। फर्स्ट टाइम टॉपिक क्या रखा गया था जी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, इसको बेस करके यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस 2 दिन के लिए 30 और 1 जुलाई को दोहा कतर में हुआ है। ये फर्स्ट टाइम था जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया है और उसने इस टॉक में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है गूगल एम्प्लॉई क्रिएटेड अ वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ड्रेस, एक गूगल एम्प्लॉई हैं जिन्होंने एक ड्रेस बनाया है, कौन सा, किस बेस टेक्नोलॉजी पे? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रेस, उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना अर्स्ट, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड फाउंडर ऑफ सी बिल्ड्स रोबोट्स ऑर्गेनाइजेशन, cbuildsrobot.org के फाउंडर हैं, जो गूगल के एम्प्लॉय भी हैं, क्या नाम है, क्रिस्टीना अर्नेस्ट, उन्होंने दुनिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रेस बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 डेज इंटरनेशनल टॉय फेयर बिगनिंग ऑन July 6 एट प्रगति मैदान, इंटरनेशनल टॉय फेयर कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? 6 जुलाई से प्रगति मैदान दिल्ली में। नेक्स्ट है मैत्री एक्सरसाइज, अभी हाल फिलहाल मैत्री एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, कहाँ पे मैत्री एक्सरसाइज? मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड एट फोर्ट वाचिर प्राकन थाईलैंड में, कब से कब तक? 1 से 15 जुलाई तक के लिए मैत्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो थाईलैंड में स्टार्ट हुआ है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट है द एयर इंडिया इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इनोग्रेटेड द विपन सिस्टम स्कूल इन हैदराबाद। विपन सिस्टम स्कूल एक नया खोला गया है हैदराबाद में, जिसका इनोग्रेट कौन किया अभी? जो एयर चीफ मार्शल है यानी एयरफोर्स के जो हेड हैं, कौन है? VR चौधरी। अब नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्च्ड द संपूर्णता
अभियान ऑन July 4 टू सेलिब्रेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मोस्ट चैलेंजिंग रीजन। मोस्ट चैलेंजिंग रीजन में मतलब क्या है कि उस एरिया में जहाँ पे लॉजिस्टिक सिस्टम को लेके जाना बहुत प्रॉब्लम होता है, मुश्किल होता है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, फॉरेस्ट एरिया हो गया, माउंटेनियर एरिया हो गया, उस एरिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको और तेज करने के लिए नीति आयोग ने एक लॉन्च किया अभियान, जिस अभियान का नाम क्या दिया है, संपूर्णता अभियान। नेक्स्ट है, इंडिया इज सेट टू होस्ट 46 सेशन ऑफ क्या, कौन सा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो किसी भी मोनूमेंटल को इंक्लूड करना है अपने लिस्ट में नहीं करना है इंटरनेशनल लेवल पे, ये काम देखती है। फर्स्ट टाइम इंडिया इसको होस्ट करेगा 21 जुलाई से 31 जुलाई तक, कहाँ पे, भारत मंडप न्यू दिल्ली में। भारत मंडप क्या है जी, एक नया बिल्डिंग बना है दिल्ली में, किसके लिए, G20 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके लिए। वहीं पे अभी इंटरनेशनल कोई भी सेशन इंडिया में होता है तो होता है, अभी रिसेंटली क्या होने वाला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है, इंडिया चेयर इट्स फर्स्ट मीटिंग एज चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस एट द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल मीटिंग इन जेनेवा। कोलंबो प्रोसेस कंप्राइजिंग 12 एशियन मेंबर स्टेट्स फोकस ऑन एनहांसिंग गवर्नेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयज। कोलंबो प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोलंबो बेस्ड पे नाम दिया गया है, जिसमें इम्प्लॉय को लेके अलग जो भी मेंबर कंट्री हैं क्या क्या किया जा सकता है उसको लेके इस पे डिस्कशन होता है। इंडिया फर्स्ट टाइम इसका चेयरमैन एज ए चेयरमैन होस्ट कर रहा है, कब करेगा, 28 जुलाई को किया है, कहाँ पे, जेनेवा में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द न्यू एमए प्रोग्राम इन भागवत गीता स्टडी। भागवत गीता जो हिंदू का एक रिलीजियस बुक है उस पर एक एमए का प्रोग्राम लॉन्च किया है इग्नू। सबको पता है इग्नू कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस कोर्सेज करवाता है इंडिया में, फर्स्ट टाइम वो किस स्टडी पे करवाने जा रहा है, एमए भागवत गीता स्टडीज, किस सेशन से स्टार्ट होगा ये, 24-25 से। नेक्स्ट है, 24th मीटिंग ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू प्लेस ऑन 4 जुलाई, कहाँ पे, अस्ताना कजाकिस्तान। 4 जुलाई को रिसेंटली SCO का मीटिंग हुआ है, कहाँ पे, अस्ताना कजाकिस्तान में। ये था रिसेंटली वीक जो भी इवेंट्स हुए हैं लास्ट वीक में, उनका एक छोटा सा समरी जिसको आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे। ये एग्जामिनेशन जो रिसेंट एग्जाम हो रहा है उसके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।